तो आप अपनी फोटोज को एडिट करना चाहते हो, वो भी मोबाइल में, ताकि आप उन्हीं फोटोज से लोगों पर इम्प्रेशन जमा सको। और सिर्फ इम्प्रेशन ही नहीं, बल्कि ऐसी फोटो एडिटिंग चाहते हो जिसे देखते ही लोग फैन हो जाए। और आपकी इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए सेवन बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्लीकेशंस फॉर योर मोबाइल, जिसके बाद आप अपनी ऐसी फोटोज को ऐसा बना लोगे। तो आ जाओ देखते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स बेस्ट हैं और कितने बेस्ट हैं, और इसके लिए 7 से लेकर 1 तक रैंक करेंगे उन्हें, जिसमें से मेरा फेवरेट तो 4th, 2nd और 1st वाला है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको कौन सा पसंद है या कौन सा पसंद आया। तो 7th की बात करें तो 2 apps आते हैं यहां पर, TuneMe और TuneApp। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि लोग अपनी फोटोज को कार्टून बना रहे हैं, और आप इन दोनों ऐप से ये चीजें कर पाओगे। यहाँ आपको पहले से ही कई सारे एग्जांपल काइंड ऑफ प्रीसेट मिलते हैं, जिनको सिलेक्ट करके आप अपनी फोटोज चूज करो एंड बूम, आपकी वो इमेज कुछ कार्टून जैसी हो जाएगी। इसमें आपको ज्यादा फीचर्स और मैनुअल टूल्स तो नहीं मिलेंगे, तो बस कार्टून बनकर निकल जाना। पर फिर भी कई तरह के कार्टून पैम्पलेट्स हैं, TuneApp में गिनती के हैं और TuneMe ऐप में बहुत सारे हैं, तो जो ऐप बढ़िया लगे उसको यूज करना। अब देखा जाए तो किसी भी ऐप का अच्छा होना या बुरा होना की कंज्यूमर रेटिंग से पता चलता है। तो TuneApp की प्ले स्टोर पर 4-star रेटिंग है और TuneMe ऐप की 4.3-star, जो कि इसलिए ज्यादा है क्योंकि TuneMe ऐप में आपको ज्यादा पैम्पलेट्स मिलते हैं। बाकी मेरी सजेशन ये है कि आप एक बार दोनों ऐप्स को यूज करके देखना और मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको कौन सा ऐप अच्छा लगा। अगला ऐप है मोशन लीप। यस, ये ऐप ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए इसमें आपको कई सारे लेटेस्ट फीचर्स और टूल्स मिलते हैं, जिसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग फीचर लगा कि आप यहां अपनी पिक्स में मोशन ऐड कर सकते हो, क्योंकि नाम में ही मोशन है। जैसे लेट से ये फोटो है और मुझे पानी में मोशन एक्टिविटी दिखानी है, तो सिंपल ये पाथ ड्रॉ करूंगा और अब देख सकते हो अब इसमें मोशन आ चुका है। एंड अब आप GIF में एक्सपोर्ट करने जाओगे तो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, पर आप इसको वीडियो फॉर्म में एक्सपोर्ट कर पाओगे। इसके अलावा आपको मोशन इफेक्ट्स भी कई सारे मिलते हैं, कैमरा इफेक्ट्स में आप ट्रांजिशंस लगा सकते हो, फिल्टर्स तो आपको पता ही है लेकिन इस ऐप में बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, और तो और आप चाहो तो कलर करेक्शन भी कर सकते हो। ये ऐप 6 नंबर पर इसलिए है क्योंकि इसमें बाकी सारी चीजों के जो प्रीसेट्स हैं उनमें से ज्यादातर पेड है, तो अभी के लिए ये ऐप 6 नंबर पर है। बट इफ इन केस अगर इस ऐप में आपको आगे चलकर कुछ चीजें फ्री मिलती हैं, तो इसकी रैंक बढ़ भी सकती है। लेकिन हाँ, वो प्रीसेट कमाल के हैं, एक बार ट्राई करके जरूर देखना, क्योंकि इतना ज्यादा पेड होने के बाद भी इस ऐप की रेटिंग प्ले स्टोर पर 4.2-star है, विच इज रियली गुड। अगला और 5th ऐप है पिक्सआर्ट। ये ऐप आदिवासियों के जमाने से एग्जिस्ट करता है, वो भी अपनी फोटोज इसी में एडिट करते थे। काफी पुराना ऐप है, अराउंड 2011 में इसे लॉन्च किया गया है। मैं भी जब छोटा था तो इस ऐप का बड़ा क्रेज हुआ करता था लोगों में, क्योंकि गिनती के ऐप हुआ करते थे, और अब तो इसमें AI जैसे लेटेस्ट फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। ऐप ओपन करते ही पूछा जा रहा है कि फोटो एडिटिंग करना है या वीडियो एडिटिंग करना है। व्हाट, वीडियो एडिटिंग को भी ऐड कर दिया। कोलाज बनाना है, बैकग्राउंड इफेक्ट्स और रीटच भी कर सकते हो। इंटरफेस काफी इजी है, समझ जल्दी आएगा। अच्छा, ये ऐप सिर्फ फोटो एडिटिंग के लिए बनाया गया है ऐसा मत सोचना, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो इसमें टूल्स दिए गए थे वो सभी हेयर, फेस ग्लो और आंखों वगैरह के लिए है, ताकि आप हर एक चीज को सेपरेटली एडिट कर सको। पर अब आकर पिक्सआर्ट ने कई तरह के नए टूल्स, फीचर्स, प्रेजेंटेशंस, सोशल मीडिया कंटेंट के पैम्पलेट्स भी ऐड कर दिए गए हैं। अभी तो कम है, पर आगे चल के धीरे धीरे और ऐड कर दिए जाएंगे। तो अब पिक्सआर्ट सिर्फ एक फोटो एडिटिंग ऐप नहीं रहा, धीरे धीरे करके ग्राफिक डिजाइनिंग ऐप भी बनता जा रहा है, ताकि आप अपने हिसाब से दुनिया भर की हर तरह की एडिटिंग को मैन्युअली कर पाओ। तो इस बात का यहाँ ध्यान रखा जाएगा, इसलिए ये सॉफ्टवेयर 5th नंबर पर आता है। बाकी आप पिक्सआर्ट को ट्राई जरूर करना और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। 4.2-star की रेटिंग है इस ऐप की प्ले स्टोर पर। इतने सालों से रेटिंग को मेंटेन रखना, इट्स वेरी टफ गेम। अगले ऐप की बात करें तो है पिक्सल लैब। ये ऐप आपने ज्यादातर क्रिएटर्स से सुना होगा, क्योंकि आजकल लोग इसका थंबनेल बनाने में ज्यादा यूज कर रहे हैं, और देखा जाए तो ये चीज ठीक भी है, क्योंकि ये फोटो एडिटिंग के साथ एक ग्राफिक डिजाइनिंग ऐप भी है। इंटरफेस इस ऐप का एकदम सिंपल है, कुछ ही दिनों में किसी बिगिनर को भी एडिटिंग का प्रो बना देगा, और फोटो एडिटिंग के साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखा देगा, यानी एक के साथ एक स्किल फ्री मिल रही है। टूल्स और फीचर्स इस ऐप में आपको मोस्टली सारे मिलते हैं, और उनकी तारीफ क्या ही करें, क्योंकि उसके लिए वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। और आउटकम की तो मैं बात ही क्या करूं, आपको बहुत खतरनाक क्वालिटी मिलेगी इस ऐप के थ्रू। बस आपको सही चीज या सही टूल का सही जगह इस्तेमाल करना आना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फोटो एडिटिंग ऐप। ग्राफिक डिजाइनिंग वालों के लिए बना है, बट इन रियलिटी आप इसमें फोटो एडिटिंग भी कर पाओगे। प्ले स्टोर पर इस ऐप की 4.2-star रेटिंग है और साथ में 10 करोड़ डाउनलोड्स भी हैं।
YouTube चैनल बंद करके ऐप लॉन्च कर देता हूँ। नेक्स्ट ऐप इज पॉलिश फोटो एडिटिंग प्रो। पॉलिश जैसा इस ऐप का नाम है वैसा ही काम है। नाम में फोटो एडिटर प्रो है तो ये मत समझना कि इस ऐप के सारे फीचर्स फ्री मिलेंगे। पेड ऐप है यार, थोड़ा उन्हें भी कमाने दो। टूल्स और इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत कमाल के हैं। आपको फील ही नहीं होगा कि इस ऐप में किसी भी तरह की कमी है। फिल्टर्स आपको बहुत सारे मिलते हैं जिसमें से कुछ पेड भी हैं, या अगर आप चाहो तो मैन्युअली कलर ग्रेड करके भी काम चला सकते हो। फेस के लिए आपको स्पेशलाइज्ड टूल्स मिलते हैं जिससे कि आप चाहो तो अपने फेस को टचअप दे सकते हो। इफेक्ट्स भी कई सारे हैं, पर इसमें जो सबसे अच्छा इफेक्ट्स मुझे लगा वो है नियॉन लाइट्स। बिल्कुल नियॉन लाइट्स ऐड करने को मिलती हैं, जिसे ऐड करने के बाद आपका फोटो कुछ ऐसा दिखेगा। इसके साथ और भी कई सारे टूल्स हैं जो आपकी फोटो एडिटिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं। और इस ऐप के बारे में इतना ही समझ लो कि अगर आप इसे सही से यूज करना सीख गए तो आप इससे बहुत अच्छा आउटकम ले सकते हो। और यही वजह है कि इस ऐप की प्ले स्टोर पर 4.6 स्टार रेटिंग है, जो कि अब तक की सबसे हाई रेटिंग है। नेक्स्ट ऐप है एडोब लाइटरूम। बिल्कुल कुछ लोग इसको सेकंड रैंक पर देखकर गलत कहेंगे, क्योंकि टाइम के साथ साथ एडोब वालों ने इसके ज्यादातर फीचर्स को पेड कर दिया है, पर फिर भी आपको कई सारे टूल्स फ्री में मिल जाते हैं। सेकंड रैंक देने के पीछे रीजन ये है कि इसमें आपको एक तो एक्यूरेसी अच्छी मिलती है, प्लस मैनुअल एडिट करने के ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। एडोब का ऐप है तो शक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि टूल्स फीचर्स सब कमाल के होने वाले हैं। कलर करेक्शन या कह लो कलर ग्रेडिंग आप काफी एक्यूरेट तरीके से कर सकते हो, बस ये अच्छा नहीं लगा कि मास्किंग और हीलिंग वाले टूल्स को पेड में डाल दिया, जबकि इससे नीचे रैंक के ऐप में मास्किंग एकदम फ्री है। पर फिर भी मुझे ये ऐप पसंद है, क्योंकि इसमें टूल्स और फीचर्स भले ही कम है, लेकिन जितने हैं ना वो भी कमाल के हैं और किसी और से कम नहीं है। और साथ में स्टार्टिंग से मैं एडोब लवर रहा हूं एडिटिंग के मामले में, क्योंकि वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी पसंद आए। 4.3 स्टार रेटिंग है इसकी प्ले स्टोर पर। सो इस ऐप के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि एक बार ट्राई करके जरूर देखना और अपना ओपिनियन और फीडबैक नीचे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। नेक्स्ट एंड द फाइनल ऐप इज स्नैपसीड। कई लोगों को ये ऐप लेटेस्ट ऐप लगता होगा, पर ऐसा नहीं है। ये ऐप 2011 में लॉन्च किया गया था। उस टाइम सिर्फ आईपैड यूजर्स ही इसको यूज कर रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद इसको विंडोज यूजर के लिए रिलीज किया गया, एंड नाउ अब गूगल ने फाइनली इस ऐप को एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया है। इंटरफेस इसका काफी क्लासिक लगा मुझे, जो कि शायद इसलिए है कि ये ऐप काफी लाइटली तरीके से परफॉर्म कर सके। एड्स वगैरह का कोई झंझट नहीं है। टूल्स और फीचर्स आपको कई सारे मिल रहे हैं जो आपकी फोटो को आराम से एडिट करवा देंगे। ऊपर से फ्री ऐप है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाला आपको फोटो एडिटिंग करने में। जब इस ऐप को मैंने यूज किया तो मुझे कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी, जैसे कि लेंस ब्लर, जिसमें कि आप अपने हिसाब से अपनी फोटो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। पोर्ट्रेट का फीचर भी कुछ ऐसे ही काम करता है। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे जैसे आप यूज करोगे आपको क्वालिटी समझ आने लगेगी। एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि इस ऐप को यूज जरूर करना। तो आई थिंक मैंने आपको 7 के 7 ऐप बता दिए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको इनमें से कौन सा ऐप सबसे अच्छा लगा और किस ऐप को आप लोग यूज करने वाले हो। एंड हाँ, यूज करने के बाद मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना मत भूलना अपना ओपिनियन एंड फीडबैक, जिससे कि काफी सारे व्यूअर्स की हेल्प हो जाएगी। एंड लिटरली बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग नीचे कमेंट्स करते हो और कई सारे यूजर की हेल्प करते हो। बाकी चलो, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करते जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलेंगे आपसे और किसी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।